तो आप सब लोगों को एक बार फिर से ये लेक्चर सीरीज के पांचवे लेक्चर में आप लोगों का फिर से एक बार सबका स्वागत है। और आज हम लोग पिछले चैप्टर को कोरिलेट करते हुए आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में देखे होंगे तो आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम लोग पूरे तरीके से क्लासिफाई किए थे। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोग देखे थे 6 तरह के आइसोमर देखे थे, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म, टाइटोमर, ये सारे हम 6 आइसोमर देखे थे। और उसको कुछ रिलेशन के क्वेश्चन भी किए थे। और वो जो क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, उसको आप लोग देख लेना करके। और ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा, मैं थोड़ा सा उसको फिर पिकअप करा देता हूँ, फिर वहाँ से बढ़ूँगा। ये जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन डाला था यहाँ से, ये कुछ क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑन द स्पॉट आने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे छोड़े थे और वहीं से छोड़ करके फिर से हम लोग चालू करने वाले हैं। तो आप लोग बढ़िया पेन कॉपी तैयार रखें और तैयार रखने के बाद मेरे साथ उस लेक्चर को लिखते चले जाइए। ठीक है, तो चलो फिर से चालू करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हालांकि मैंने तो बता दिया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो मैं पहले से बता देता हूँ, हम लोग आइसोमर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे मैं फिर से बोल देता हूँ, आइसोमर। और आइसोमर्स में क्या बोले थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, यही बात किए थे। एक था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसको हम लोग पढ़ चुके, जिसको हम पढ़ चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको हम पढ़ चुके हैं। और एक था स्टीरियो आइसोमर, एक था स्टीरियो आइसोमर्स था, ठीक है ना। ये इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आज का टॉपिक है, टूडेज टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक है, क्लियर। तो इसको पूरा पूरा लिखिए मत, मैं आपको केवल समझाने के लिए लिखा हूँ। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। क्यों डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि हमको बताना ये था कि हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा था, स्टीरियो आइसोमर आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्टीरियो आइसोमर। तो थोड़ा सा टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा ना लेकर के हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो लिखो पढ़िए आप लोग, स्टीरियो आइसोमर। देखो स्टीरियो आइसोमर क्यों लाया गया, किस लिए पढ़ते हैं, तो इसका मेन रीज़न है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में ना मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन रहता है, तो उस ओरिएंटेशन को हम बताते हैं। और बताने के लिए जिस केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसको स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस यानी त्रिविम विन्यास में जो मॉलिक्यूल है उसकी व्यवस्था को बताते हैं। तो क्या है इसका डेफिनेशन, टू आर मोर देन टू कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड हो सकता है, हैविंग क्या क्या हो सकता है, हैविंग एक तो रहेगा आपका मस्ट नेसेसरी है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ठीक है, और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, और एक चीज़ और होगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है जी, और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला के बाद ये जो है ना, हम डिफरेंस कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट यानी एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएट अलग करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस से, बट लिखो बट डिफरेंट अरेंजमेंट अरेंजमेंट होता है इसका ऑफ एटम्स आर ग्रुप, जो एटम या ग्रुप होती है, एटम आर ग्रुप्स इन स्पेस, इन 3D स्पेस लिख सकते हैं।
स्पेस भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अलग अलग व्यवस्था होती है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो ये जो हमारा स्टीरियो आइसोमर होता है इसको मेनली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, याद रखिएगा। मेनली कितने तरीके से, तो दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं जो स्टीरियो आइसोमर होती है। एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम पोजीशन ओजिशन की बात कराते हैं, कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर आइसोमर्स। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं, जो अलग ही कहानी है इसका, कन्फर्मेशनल आइसोमर, संरूपण समावर्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कन्फर्मेशनल आइसोमर, ये है कन्फर्मेशनल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल जो कॉन्फिगरेशनल होती है वो हमको बताता है कि एक फ्लैट मॉलिक्यूल है उसमें हम किस तरीके से हम लोग एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री में या 180 डिग्री में कैसा मॉलिक्यूल दिखता है उसको बताते हैं। और साथ ही साथ हम लोग कॉन्फिगरेशनल में एक चीज़ और देखते हैं, जो कॉन्फिगरेशनल होती है ठीक है उसमें हम डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखते हैं। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात चलती है, मॉलिक्यूल उसे तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, घुमा बस सकते हैं यहाँ पे कॉन्फिगरेशनल में। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल को ऐसा तोड़ मरोड़ या पिचकार, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पिचक देना, तो नया कन्फर्मेशन बन जाती है ठीक है। तो ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है इसको फर्दर दो तरीके से हम लोग और पढ़ते हैं। जो पहला नंबर है उसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसको एक तरीके से फिर से क्लासिफाई करते हैं ठीक है। तो इसको बढ़िया प्यारा सा लिखिए, पहला जो है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिख लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं ठीक है। और एक जो अलग है जिसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, ऑप्टिकल आइसोमर, सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अच्छा एक क्या हो गया प्रॉब्लम, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, बाकी लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, योर स्क्रीन इज स्टिल दिख रहा है, दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है योर, रुको एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ये, योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अदर, क्लिक टू रिज्यूम और कैंसल योर प्रेजेंटेशन। अच्छा ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोल रहा है बच्चे लोग लग रहा है मेरे को, एक मिनट ना रिज्यूम करते हैं। अब देखो बोला, अब देखिए, अब दिख रहा है, यस सर, अब दिख रहा है जी बाकी लोगों को, यस सर, हाँ चलो यस सर ठीक है। हम लोग खोज लिए, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होती है ना इसी को सिस ट्रांस आइसोमर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। और इसी सिस ट्रांस आइसोमर को आज हम लोग बहुत तेजी से पढ़ने वाले हैं, सिस ट्रांस आइसोमर, फिर हम कल जो पढ़ेंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर को पढ़ेंगे ठीक है। सुन रहे हो जी, तो हम लोग एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मेन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग दो तरीके से बांट दिए हैं, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। और कॉन्फिगरेशनल में दो चीज़ें हैं जिसमें हम लोग बोल रहे हैं, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा बोल रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर है, क्लासिफिकेशन अपन सबको समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन ठीक है जी। तो बढ़िया, हाँ तो बढ़िया सा हेडिंग डालेंगे हम लोग, आज का हेडिंग है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो मैंने पहले ही बोल दिया है इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, क्योंकि सिस ट्रांस बोलते हैं ना तो जल्दी से, हाँ यार सिस ट्रांस एकदम जल्दी वर्ड याद होता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म लगते ही हमारी बात क्या आती है सुनो, जैसे ये जो सिस ट्रांस है उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड रहेगा तो आपके पास दो ठो पेन है ऐसा, और दोनों पेन को मैं बोलूँ एक साथ पकड़ के घुमाओ, तो एक साथ पकड़ के घुमाओगे तो घुमाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक जो है दूसरे को ऐसा जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे करके घुमाओगे दो पेन को तो घूमना मुश्किल होगा। ये दोनों पेन घूमना मुश्किल होगा कि नहीं होगा, जैसे कपड़े को आप लोग निचोड़ते हैं वैसे घुमाओगे तो नहीं, मुश्किल है ना,
रोटेशन, हाँ तो मुश्किल रोटेशन मुश्किल है, तो इस रोटेशन मुश्किल को बोलते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और जहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। ठीक है, तो मोस्ट कंडीशन इसका जो मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो लिखो इसको स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव, लिखो विच कैन नॉट, लिख लेना विच कैन नॉट, विच कैन नॉट इंटर कन्वर्ट, इंटर कन्वर्ट। और जनरली सीज जो है ट्रांस में ऐसा कन्वर्ट होते नहीं रहता, विच कैन नॉट इंटर कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर एक दूसरे में बदलती नहीं है रूम टेम्परेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। है ना, याद रखना ना, इसका सबसे बड़ा जो मेन लाइन है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर बदलती नहीं है, इज नोन एज, इज नोन एज क्या बोलेंगे इसको, अच्छा मैं कुछ गलत पकड़ लिया ऐसा लग रहा है, ठीक है, इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में। ठीक है जी, इसको लिख लिए क्या आप लोग? यस सर। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये हो गया होगा, और उसके बाद मैंने क्या लिखा था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज नोन एज, कहाँ चला गया पता नहीं, इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन में ले आते हैं। अच्छा यहाँ से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हाँ यहाँ से देख लेते हैं आप। तो यहाँ पे क्या होती है, इसको हम लोग दो तरीके से फिर से क्लासिफाई करते हैं। अब बोलोगे दो दो तरीका कितने बार चलेगा भाई, इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, किसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को। तो यहाँ से मैं फिर से बात कर देता हूँ, यहाँ से इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को याद रखना जरूरी है। एक होता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित जिसको बोल देते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, अबाउट डबल बॉन्ड। एक होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड होती है, और एक जो होती है ना सिंगल बॉन्ड के कारण भी सिस ट्रांस बनता है, और ये बहुतों लोगों को पता भी नहीं है ये। ठीक है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इस बात को याद रखना है। तो सिंगल बॉन्ड के कारण भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो दो कहानी है इसमें, एक डबल बॉन्ड के कारण है और एक किसके कारण है, सिंगल बॉन्ड के कारण, कौन सा, जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, तो यहां पे हम लोग डबल बॉन्ड रख रहे हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन ना लीजिए। एक एग्जांपल है जिसका एल्किन, जिसको हम लोग सदाबहार पढ़ते आ रहे हैं एल्किन, और एक दूसरा जो एग्जांपल है वो है हमारा एजो कंपाउंड। जो एजो कंपाउंड होती है ना उसमें लोन पेयर रहता है, ऐसा क्या रहता है, लोन पेयर। तो इस लोन पेयर, किसी का माइक चालू है बंद कर दीजिए, एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, तो ये दोनों इसका फेमस एग्जांपल है ये और ये। एल्किन में तो देखना ही देखना है, एजो में भी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड हाय हमारा रोटेशन, उसमें होता है हमारा, एग्जांपल की बात करें तो उसमें आता है साइक्लो एल्किन। क्या आता है, साइक्लो एल्किन, इसका भी दो तीन एग्जांपल हम लोग पढ़ लेंगे साइक्लो एल्किन। ठीक है जी, इतना हो गया होगा। तो हम लोग अब आगे हम एक ही को डिटेल करते हैं, किसको हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं, पहले किसको, पहले हम लोग एल्किन की बात करेंगे। ठीक है,
फिर एल्किन के बाद एजो कंपाउंड की बात करेंगे, एल्किन करेंगे फिर एजो कंपाउंड की बात करेंगे, फिर साइक्लो एल्केन की बात करेंगे। तो धीरे से हम लोग तीन कैटेगरी में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो कैटेगरी है मैं उसको लिख रहा हूँ ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्केन, एल्किन में पढ़ने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है ना मेनली यहीं से स्टार्ट हो रहा है, एल्किन। हम तो क्लासिफिकेशन देखे हैं अभी तक, ये एल्किन से पढ़ने वाले हैं। सबको दिख रहा है एल्किन, तो बढ़िया प्यारा सा हेडिंग यही रहेगा। देखो ये एल्किन में मैंने अभी अभी कहा था कि इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा, एल्किन में जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है, तो उसका मेन जो रीज़न है, उसका मेन रीज़न क्या है आपको सबको पता होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। रीज़न क्या है इसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर या सिस ट्रांस आइसोमर क्यों दिखाता है, कोई पूछे तो आप लोग सीधा सीधा आंसर दे सकते हो। इसमें इसीलिए दिखाता है क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है अबाउट, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे रहेगा, रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, अबाउट डबल बॉन्ड। ठीक है, जहां डबल बॉन्ड है वहीं पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जनरेशन चालू होता है। आपको अब यहां से स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन से हमको बता सकते हैं अच्छा से। एक क्या होता है, हमारे पास डबल बॉन्ड होती है, एक होता है ए और एक होता है ए, और इधर होता है बी, इधर होता है बी। तो आप लोगों को पता होगा इस डबल बॉन्ड को हम लोग दो तरीके से ऐसे इसको हम लोग अलग कर देते हैं ऐसा, ठीक। और ये जो सेम सेम ग्रुप है वो एक ही साइड है इसमें देखो, और एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसमें ये सेम और जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है। सेम सेम ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड में, इधर बी देखो और इधर बी देखो, सेम सेम क्या है, अपोजिट साइड। तो जब सेम ग्रुप हमारा, सेम ग्रुप हमारा याद रखिएगा, एक तो ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए, इसका कंडीशन क्या है, सेम ग्रुप होना चाहिए। सेम ग्रुप के बाद सेम साइड है, सेम ग्रुप है और क्या है हमारा, सेम साइड है याद रखिएगा, सेम साइड में सर्कल बना दिया हूँ इसीलिए सेम साइड। तो हम उसको बोलते हैं सी आइसोमर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सी आइसोमर, सेम साइड में है तब। अब इसमें सेम ग्रुप है हमारा, सेम ग्रुप है, ग्रुप हमारा सेम होना चाहिए, सेम ग्रुप। और सेम ग्रुप के बाद जो है ये डिफरेंट साइड में है, किस में है, डिफरेंट साइड में है, साइड हमारा डिफरेंट है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो हम उसको बोलते हैं क्या, ट्रांस आइसोमर, सबसे सिंपल सा वर्ड है ये। जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो, ठीक है, अपोजिट साइड मतलब 180 डिग्री में, तो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। तो ये इसका सबसे मेन की पॉइंट था, सेम और अपोजिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करके हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा सिस है, कौन कौन सा ट्रांस है। सबसे पहले देखो आप लोगों को पता होगा यहाँ से जैसे डबल बॉन्ड है ऐसा, और ये सर इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी ना, हाँ ये रिकॉर्ड होगी ना, आप टेंशन मत लीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा एल्किन है ना, ये जो हमारा एल्किन है ये देखो एक ही साइड है, दोनों मिथाइल हमारा एक ही साइड है, ये मिथाइल और ये मिथाइल एक ही साइड है, तो इसको हम बोलेंगे सिस। और इसको नंबरिंग दोगे तो आप लोग तो जानते हो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो सकता है, नॉमेनक्लेचर तो मैंने आज आप लोगों को सिखा दिया, 1 2 3 4, तो सिस 2 ब्यूटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिस 2 ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। या सिस क्या लिख सकते हो, या सिस ब्यूट 2 इन भी बोल सकते हो, बी सिस 2 ब्यूटीन। अब एक मैं और एग्जांपल यहीं पे इसका अपोजिट जस्ट लिख रहा हूँ ट्रांस तरफ, ये मेथिल मेरा अलग अलग साइड है ये, उसके बाद हाइड्रोजन ऐसा है, हाइड्रोजन ऐसा है, इस डबल बॉन्ड को देख लो, डबल बॉन्ड के ये मेथिल जो है ना अपोजिट है, तो
तो इसको बोलेंगे ट्रांस टू ब्यूटीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस टू ब्यूटीन बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस ब्यूट, ठीक है, टू इन बोलेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो स्विस ट्रांस में क्या है, सिंपल सा है कि अपोजिट हो और सेम साइड हो, क्लियर। अपोजिट रहेगा तो ट्रांस बोलेंगे और सेम साइड रहेगा तो हम सीज बोलेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर अगला बात कर लेते हैं हम लोग, ऐसे तीन चार एग्जाम्पल हम लोग ड्रा कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगला तो ये दिख रहा होगा, बाय द वे आपका डबल बॉन्ड है ऐसा, और एक तरफ हाइड्रोजन है, ऐसा हाइड्रोजन है, और ये हो गया COOH, सबसे फेमस एग्जाम्पल COOH ऐसा। इसका ना फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैलेइक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, मैलेइक एसिड बोलते हैं, इसका नाम मैलेइक एसिड है, ठीक है, जो सिस फॉर्म में है इस, ठीक है। और इसको हम लोग एक और बना लेते हैं ऐसा, HCOOH कर देते हैं, और इसको कर लेते हैं COOH, और ये हो जाएगा आन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा ऐसा, क्लियर। इसको क्या बोल सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं? अच्छा, इसका नाम तो फेमस नाम है फ्यूमेरिक एसिड, इसका नाम क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है, इसका नाम फ्यूमेरिक एसिड है, क्लियर है। तो आप लोग याद रखना, जो मैलेइक एसिड है हमारा वो सिस आइसोमर है, ये क्या है भाई, सिस आइसोमर है ये, और ये क्या है आपका, ट्रांस आइसोमर है, आइसोमर। अब आप लोगों का काम एक चीज़ रहेगा कि इसका IPA के नाम आप लोग नीचे लिख लेना, इसका जो IPAC नेम होगा, क्लियर हो गया, लिख लिया आप लोग सब लोग, उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। अच्छा, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, रुको हम लोग चेंज कर लेते हैं। सब लोग लिख लिए जी, लिखे कि नहीं लिखे, यस सर, लिख लिए सर। लिख लिए ना, गुड, लिख लिए होगे। तो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, और वो ये हो गया मेरा, एक मिनट, हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं, ये हमारा ये करंट स्लाइड था ना, ठीक ठीक है, हम लोग सही जा रहे हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, चलो इसमें आ जाते हैं, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ जी, ये एग्जांपल है आपका फिफ्थ नंबर, इसको बना के देखिए। तो इसको मैं लिख देता हूँ H, इसको लिख देता हूँ H, इसको लिख देते हैं Cl, इसको लिख देते हैं Cl। अब ये इसको देखोगे तो ये सिस है, ये क्या है, सिस 1,2-डाई क्लोरो है, ये 1,2-डाई क्लोरो इथेन है, नहीं एथीन बोलोगे कि एथेन बोलोगे, एथीन, एथीन हो जाएगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एथीन हो जाएगा, सिस 1,2-डाइक्लोरोएथीन। और ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, एच, और एच हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा Cl, क्लियर है। तो इसको बोलोगे ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोएथीन हो जाएगा, ये एथीन, ये हो गया ट्रांस 1,2-डाइक्लोरो एथीन, हो गया जी, हुआ कि नहीं हुआ, लिख लिए सब लोग, कुछ तो जवाब दीजिए, लिखे कि नहीं लिख पाए। जी सर, हाँ, यस सर, अब हम सिस ट्रांस सेम सेम ग्रुप है तो नहीं बता पाते, ठीक है। तो इसका कुछ कुछ सिस ट्रांस नाम का कुछ ड्रॉबैक था, तो लिमिटेशन लिख लो यहीं पे, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या थी इसका, लिमिटेशन आया इसमें लिमिटेशन, और लिमिटेशन ये थी कि आपका ग्रुप सेम सेम है तब बता पाओगे, ठीक है, और सेम ग्रुप नहीं है तो नहीं बता पाओगे,
क्लियर। इफ लिख लो, इफ डिफरेंट ग्रुप, इफ डिफरेंट ग्रुप आर अटैच्ड अटैच्ड इन एल्किन इन एल्किन देन 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 दिस नॉमेनक्लेचर दिस नॉमेनक्लेचर ये जो नॉमेनक्लेचर है विल बी फेल्ड देन दिस नॉमेनक्लेचर विल फेल्ड ठीक है विल बी फेल लिख दो ठीक है ये फेल हो जाती है जी हो जाएगी वहीं पे फेल हो जाएगी सीधा क्लियर विल बी फेल्ड। अब ये कैसे फेल्ड हो गई मैं बता रहा हूँ देखो आप लोग देखोगे तो तुरंत समझ जाओगे कि फेल कैसे हुई। ये फेल होने का मेन रीजन क्या था कि जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक एग्जांपल देख रहा हूँ देखो इसमें क्या तुम सिस ट्रांस बता सकते हो क्या ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एफ लिखा यहाँ पे सी एल लिखा यहाँ पे आपका बी आर लिखा और यहाँ पे लिख दिया आपका आयोडीन तो यहाँ पे बता सकते हो क्या सीस ट्रांस नो सर नो सर सेम ग्रुप नहीं है नो सेम ग्रुप नहीं है और नो सेम सो सेम ग्रुप नहीं है नो नॉट सेम ग्रुप नॉट सेम ग्रुप ठीक है तो नॉट सेम ग्रुप होगा तो क्या होगा ना तो नो सीस होगा नो ट्रांस होगा नो सीस नो ट्रांस तो ऐसे कंडीशन में हम इसका क्या कुछ ना कुछ इसका हम लोग क्या देखे समाधान ढूंढने की कोशिश की है क्या क्या कोशिश की है समाधान ठीक है इसके लिए कुछ नई थ्योरीज लाए क्लियर नई थ्योरीज लाए और नई थ्योरीज को हम लोग बोले उसका इजे नॉमेनक्लेचर इस थ्योरी को बताने के लिए ठीक है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्या सिस ट्रांस को हम कोई दूसरा और चीज़ बोल सकते हैं क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक बाद में थ्योरी आई जिसको बोला गया इजेड नॉमेनक्लेचर ठीक है ये तो सिंपल था कि हम सिस बोलेंगे ट्रांस बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी है ना तो यहाँ पे एक थ्योरी आई उसको बोलते हैं हम लोग इजेड नॉमेनक्लेचर तो बढ़िया प्यारा सा हेडिंग डालिए और यही इजेड नॉमेनक्लेचर है ना हमारा आधा घंटा खाने वाला है अब और इसको थोड़ा सा जान ले रहे हो हालांकि 11th 12th में ज़्यादा नहीं दिया है ये एकदम से लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इजेड नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर इजेड नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ आपको इजेड नॉमेनक्लेचर कई लोग बोलते हैं ई जो है ट्रांस होती है लेकिन मैं बोल रहा हूँ ई जो है ट्रांस होती है लेकिन ये अपने रूल के अकॉर्डिंग होती है इस रूल ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग नहीं होती ठीक है तो इजेड नॉमेनक्लेचर या इजेड सिस्टम बोल सकते हैं हम लोग इजेड सिस्टम तो इजेड सिस्टम में होती क्या है उसको पहले हम लोग ड्रॉबैक कर लेते हैं जो ई वो होता है ई उस ई में और जेड में पहले किसको लिख दूँ ई लिखूँ कि जेड लिखूँ पहले जेड लिख देता हूँ और इसके बाद ई लिख देता हूँ इधर ई लिख दिया इधर जेड लिख दिया तो जो जेड है वो आया था वर्ड जूसा मीन से किससे आया था जूसा मैन ठीक है जूसा मैन ये वाला वर्ड से आया था जेड ठीक और ये जो ई है वो इंट गिगन बोलते हैं इंट गिजन कई लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इंट जिजन बोलते हैं जिजन अलग अलग ठीक है इंट जिजन ये इंट जिजन वर्ड से आया था ठीक है ये जो है ना लैटिन वर्ड था जिसका कुछ मीनिंग होता है तो इसका मीनिंग भी वही सेम था मीनिंग ये था कि इसमें जो है ना ये बोला गया था कि प्रायोरिटी ग्रुप जो होती है ना वो एक साइड होती है तो ये कब होती है व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर एट सेम टाइम
सेम साइड, सेम साइड ये बोला गया था, जो जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप है ना आर सेम साइड होना चाहिए। याद रखना इसमें मैं बहुत बड़ा तगड़ा वाला एक लाइन लिखा हूँ, और वो लाइन क्या है, सेम हाई प्रायोरिटी ग्रुप, याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ये वर्ड को अच्छा से समझना, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। अब ये हाई प्रायोरिटी के लिए भी हम लोग एक नया रूल पढ़ेंगे, आर एट सेम टाइम सेम साइड, आर एट सेम साइड, और ये तब होती है व्हेन हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, ठीक है, ग्रुप, हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर एट अपोजिट साइड, इसका मतलब है अपोजिट साइड, क्लियर है, अपोजिट साइड में होना चाहिए। अब ये बार 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 मैं एक वर्ड यूज किया हूँ, अपोजिट साइड और सेम साइड, ये तो कहते ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक नया वर्ड आ गया, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, जिसको हम एचपी बोलते हैं, और यहाँ पे एक आ गया क्या आपका, हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड, ठीक है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ, अपोजिट साइड, एक तरफ मैं कहाँ बोला हूँ, सेम साइड, और एक तरफ क्या बोला हूँ, अपोजिट साइड, ठीक है जी, सुनो मेरी बात। हेलो सर, तो ये जो है ना सेम साइड बात कही गई है यहाँ, और एक तरफ हमारा कहा गया है अपोजिट साइड। तो ये जो सेम हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी वाली जो बात है, वो उसको हम लोग कैसे तरह का डिजाइन कर सकते हैं, और देखो इसको, जो जूसामीन होता है उसमें हम कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रखते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जो कार्बन और कार्बन के बीच ऐसा हम लोग डबल बॉन्ड करके ऐसा, और फिर से एक जनरल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं ऐसा ऐसा, यहाँ पर जो हाई प्रायोरिटी है वो सेम सेम साइड होना चाहिए। तो हाई प्रायोरिटी वाली ग्रुप जो है, बाय द वे जैसे यहाँ पे हाई प्रायोरिटी है और यहाँ पे हाई प्रायोरिटी है, सेम साइड है, ठीक है, और यहाँ पे लो प्रायोरिटी रहेगा, यहाँ पे लो प्रायोरिटी, और यहाँ पे उल्टा हो जाए, जस्ट हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है, ऐसे ही लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, स्पीकर ऑन है किसी का बंद कर दीजिए, लो प्रायोरिटी ये जो है अपोजिट साइड में है, ठीक है, या समझ पा रहे हो, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी कहाँ है, सेम साइड में, और इसमें हाई प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी कहाँ है, अपोजिट साइड में, क्लियर। अब ये जो हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी वाली जो बात है, क्लियर है, हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी बात है, ये बात आया था एक थ्योरी से, और वो थ्योरी था प्रायोरिटी रूल बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं उसको, प्रायोरिटी रूल बोलते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले प्रायोरिटी रूल बताऊंगा, तभी आप लोग जानोगे कि हाँ यार इसको ई बोलना है, यहाँ जेड बोलना है। तो ये वेरी वेरी एम्पी पॉइंट है, प्रायोरिटी रूल, प्रायोरिटी रूल, वेरी वेरी एम्पी, प्रायोरिटी रूल, और ये रूल जो है ना सेम टू सेम फॉलो होगा आरएस नोमेनक्लेचर में भी। तो प्रायोरिटी रूल्स को तीन साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, कान, इंगोल और प्रिलोग, ये तीन साइंटिस्ट थे, और कान, ये तीनों साइंटिस्ट जो है ना एक तरीके से उन्होंने अरेंज किया ग्रुप को, तो सीआईपी सीक्वेंस रूल भी कहते हैं। तो सीआईपी क्या है, कान, इंगोल और प्रिलोग ये तीनों दोस्त से साइंटिस्ट थे, तो इनको इन्होंने प्रायोरिटी दिया था अलग अलग ग्रुपों को, और उस ग्रुप को प्रायोरिटी दिया था और एक ऑर्डर में रख दिया था, तो उनको बोलते हैं हम लोग सीआईपी रूल। और सीआईपी रूल से ही हम लोग पता लगाते हैं कि कौन हाई प्रायोरिटी रहेगा और कौन लो प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है। तो सीआईपी रूल में हम लोग करते क्या हैं, हम हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी को देते हैं, किसको हाई प्रायोरिटी बोलना है और किसको लो प्रायोरिटी बोलना है, उसी के आधार पर हम लोग बताते हैं। तो पहला रूल लिखते हैं हम लोग, अलग अलग रूल है इसमें, ठीक है, और रूल को हम लोग एक एक करके पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रूल नंबर वन, और रूल नंबर वन को एकदम केयरफुली देखिएगा, रूल नंबर वन क्या कहता है, रूल नंबर वन ये कहता है कि जो प्रायोरिटी होती है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, तो हायर एटॉमिक नंबर जो होती है उसको हाई प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, हायर
एटॉमिक नंबर नंबर विल गिव हायर प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हायर प्रायोरिटी प्रायोरिटी, ठीक है, जो हायर एटॉमिक नंबर रहेगा उसको हाई प्रायोरिटी देंगे। जैसे आपके पास मान लो चार ठो ग्रुप है, ठीक है, चार ग्रुप है और चारों में से देना है। जैसे आप लोग क्या करोगे, जैसे आयोडीन है कि नहीं, आयोडीन और का जो एटॉमिक नंबर है वो 53 होता है, और इन दोनों में ब्रोमीन है, ब्रोमीन का 35 होता है, तो किसको हाई प्रायोरिटी दोगे, इसको हाई प्रायोरिटी दोगे। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? हेलो, जैसे आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है और फ्लोरीन है, तो किसको हाई प्रायोरिटी दोगे, इसको हाई प्रायोरिटी दोगे, दोगे कि नहीं दोगे। तो ये इस तरीके से हाई प्रायोरिटी वाली बात चलती है। तो अपन क्या कर देते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन एक बात सुनो, एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ, एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास डबल बॉन्ड है ऐसा, और डबल बॉन्ड करके आपने एक एग्जांपल लिखा, यहाँ पे लिखा क्लोरीन और यहाँ पे लिखा फ्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन को पहले देखना है, ये पहले तो एक ऐसा लकीर खींच देना ताकि आपको पता रहे कि ऊपर नीचे देखते हैं एक साइड। फ्लोरीन और क्लोरीन में ये जो है ना, हमारा क्लोरीन वो हाई प्रायोरिटी रखेगा। क्यों हाई प्रायोरिटी रखेगा, कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, और फ्लोरीन को हम लोग देंगे लो प्रायोरिटी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इधर मान लो आयोडीन है और इधर हमारा ब्रोमीन है, तो हम आयोडीन को देखेंगे। याद रखिएगा, मैं एक एक साइड करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे हमारा आयोडीन है तो हम इसको देंगे हाई प्रायोरिटी, और ब्रोमीन को देंगे लो प्रायोरिटी, ठीक है। हम इधर का इधर देखेंगे, इधर का इधर देखेंगे, और इधर का इधर देखेंगे। आप ऊपर ऊपर देखोगे तो गलत सलत हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना। तो हाई प्रायोरिटी एक साइड है, तो हम इसको बोल देंगे जेड आइसोमर। हम इसको क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर बोलेंगे, जेड आइसोमर, क्लियर है। और हमारे पास बाय द वे ऐसा है, क्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे हमारा आयोडीन है और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा, ये कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट आ जाएगी। कहानी में ट्विस्ट ये आ जाएगा कि आपका ये जो है हाई प्रायोरिटी है, फ्लोरीन लो प्रायोरिटी में है, आयोडीन और ब्रोमीन में हमारा आयोडीन हाई प्रायोरिटी में है और ब्रोमीन हमारा लो प्रायोरिटी में है। तो लो प्रायोरिटी अपोजिट में है, हाई प्रायोरिटी भी अपोजिट में है। तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट में है, तो ये हो जाएगा आपका ई आइसोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है तो बताइए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। पहला रूल सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ ठीक है, आप लोग केयरफुली ये देखिएगा कि एक एक साइड को देखना है, इस साइड को देखना है हमको, इस साइड को देखना है। अब मैं आपको रूल नंबर सेकंड लिखा रहा हूँ, रूल नंबर सेकंड देखिए, रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि हमारा बाय द वे पहला वाला रूल फेल हो गया, ठीक है। इफ रूल फर्स्ट इज फेल्ड, हमारा रूल फर्स्ट जो है किसी कारण फेल्ड हो गया, और फेल्ड क्यों होता है मैं बताऊंगा अभी, फेल्ड, देन कंसीडर द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट जो है उसके बाद वाला देखते हैं, नेक्स्ट एटम, ठीक है, नेक्स्ट एटम, और नेक्स्ट एटम नहीं मिला तो एंड शो ऑन, ये वाला बात है। अब हम लोग ये कहते हैं, देखो आपको गांव में ना, गांव में एक बात हमेशा चलते रहता है गांव में, और वो गांव में क्या बात चलते रहता है, जैसे कहीं पे बैठ गए हैं लोग बाग कहीं पे बैठे हैं और बैठ करके बातचीत कर रहे हैं उन लोग, और बातचीत करेंगे कि ये फलाना ए घर है और फलाना बी घर है, ठीक है। बाय द वे कोई भी हो सकता है, एक साहू घर हो सकता है, और एक कोई बोल सकते हैं, चलो हम लोग बोल दिए साहू है तो और कोई दूसरा बोल दो, और कुछ क्या बोलते हैं, चलो कुम्हार
कुम्हार है, ठीक है, कुम्हार है। अब बोलेंगे कि इसके घर बड़े आदमी है कि इसके घर बड़े आदमी है, तो दोनों के यहाँ 5 एकड़ खेत है, 5 एकड़ खेत है, ठीक है, 5 5 एकड़ खेत है, 5 5 एकड़, तो बोलोगे दोनों घर बड़े आदमी नहीं है, दोनों घर सेम है बोलेंगे। फिर बोलेंगे नहीं यार, इसका जो बेटा है ना वो मास्टर है, इसका बेटा क्या है, जो बेटा है वो मास्टर है, मास्टर, और इसका बेटा जो है, इसका जो बेटा है वो मास्टर नहीं है बल्कि IAS है। अब सोचो, अब बताओ किसके यहाँ बड़े आदमी होंगे, मास्टर यहाँ बड़े होंगे कि IAS के यहाँ बड़े होंगे। आपको जब हम लोग इसको नहीं पता लगा पाए खेत को देख करके, तो हम उसके पिताजी को, लोगों को देख रहे थे, तो पिताजी को देख के हम लोग पता ही नहीं लगाए, दोनों के पिताजी अनपढ़ थे, दोनों कोई खेती काम करते थे, तो दोनों के पिताजी को देख के नहीं बताए, तो हम लोग उनके बेटों पर गए, उनके बेटों के हिसाब से अब उनकी संपत्ति कितनी है। तो हम बोल दिए कि जब पहला प्रियोरिटी नहीं दे पाते, मतलब पहले में फेल हो गए, तो पहले में फेल हो गए तो कहाँ चले गए, दूसरे में चले गए। समझ में आ गया, मेरी बात समझ आया सबको। पहले वाले में फेल हो के ना हम लोग बता नहीं पा रहे थे कि कौन बड़े आदमी है, कैसे जी, यस तो फिर हम लोग बड़े आदमी बताने के लिए हम लोग उसके बेटे बेटे में चले गए। तो ये होता है प्रियॉरिटी, ये क्या होता है, प्रियॉरिटी होती है। तो प्रियॉरिटी देंगे कैसे, अब सुनो, एक एग्जांपल में मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। जैसे आपके पास सी है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे है OH, ऐसा कर देता हूँ, और यहाँ पे है NH2, और यहाँ पे है मेरा एक बात कह लेता हूँ, जैसे CH2OH, और यहाँ पे है मेरा CH2 और Cl, ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। इसको थोड़ा सा और इरेज कर देते हैं, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ जी, इरेज कर देता हूँ, आप लोग देखो, इसको CH2 कर देता हूँ, OH कर देता हूँ, इसको CH2 करके NH2 कर देता हूँ, अब आप लोग अच्छा से जान जाएंगे। अच्छा, इसको OH किया तो एक मिनट, इसको हम लोग और चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करके हम लोग लिख देते हैं SH, लिख देते हैं। अब लोग, आप लोग बताओ इसमें EZ नॉमेनक्लेचर करना है तो कैसे करेंगे। तो इसको EZ नॉमेनक्लेचर करना है ना, तो सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, हम लोग ये कार्बन है, कार्बन कार्बन को देख के पता लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, तो कार्बन कार्बन को देख के पता नहीं लगा सकते, तो हम नेक्स्ट वाले एटम को देखते हैं, किसको देखते हैं, नेक्स्ट वाले एटम को। तो नेक्स्ट वाले एटम को देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता होगा 16 है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 7 है, तो किसको हाई प्रियोरिटी देंगे, इसको देंगे हाई प्रियोरिटी और इसको देंगे लो प्रियोरिटी। समझ में आ गया, अभी कार्बन कार्बन को देख के तो पता नहीं लगा पाए, कार्बन कार्बन को देख के पता नहीं लगा पाए, तो हम इसका देखेंगे एटॉमिक नंबर, किसका देखेंगे, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक नंबर 8 है तो, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर, हेलो, एटॉमिक नंबर है 17, तो इसको देंगे लो प्रियोरिटी और इसको देंगे क्या, हाई प्रियोरिटी, क्लियर है। तो देखो, लो प्रियोरिटी, लो प्रियोरिटी अपोजिट साइड में, हाई प्रियोरिटी, हाई प्रियोरिटी अपोजिट साइड में, तो ये कौन सा आइसोमर कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ई आइसोमर, ये क्या कहलाएगा, ई आइसोमर कहलाएगा, क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। पहला रूल के बाद हमारा दूसरा रूल, समझ आया कि नहीं आया, यस सर, क्लियर हो गया ना, पहला रूल के बाद जी हमारा, सर, यस सर, ओके। तो जब हम लोग शुरू वाले एटम से कंसिडर नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट एटम में जाएंगे, इसका सबसे सिंपल सा राज यही है, ठीक है, सबसे सिंपल सा राज और है यही है। अच्छा, एक रूल और है जिसको मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा समझ जाओ। जैसे यहाँ पे देखो, अच्छा से देखना, यहाँ पे सी है, सी, यहाँ पे मैं CH3 लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे गया
यहाँ पे लिख दिया CH3 लिख दिया, और इधर आया ऐसा, देखो ध्यान से, यहाँ पे CH किया, इसको CH3 CH3 ऐसा, और एक और बना रहा हूँ इधर मैं, ठीक है, ऐसा CH2 और CH इसको 3 कर दो और इसको भी 3 कर दो ऐसा। इसको देखो इसमें क्या देंगे, बड़ा अजीब सा हो गया। तो इसको जब नामिन क्लेचर देते हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, इसमें हम लोग एक बहुत अच्छी चीज़ देखते हैं, वो है इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन को। अब इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो इसको सी 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 लिखते हैं ऐसा। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, एच एच और एच जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन ऐसा। अब इस वाले कार्बन को देखो एकदम, ठीक है, इस वाले कार्बन को देखो आप लोग क्या क्या दिख रहा है आपको। एक कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड को देखते हैं, सी सी और एच, समझ में आ गया। अब इस वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है आपका सी, एक तो ये वाला कार्बन है ये वाला, और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रहा है, हेलो, सी एच एच। तो आप लोग ना अब जो जितने ग्रुप जुड़े हैं उसको चेक करते हो, याद रखिएगा, ये सारे ग्रुप को चेक करते हैं हम लोग। जब सारे ग्रुप को चेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसको देखो एटॉमिक नंबर क्या क्या हुआ, 6 6 2 12, 6 3 18, टोटल एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 18 हो गया। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितनी हुई, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हुआ टोटल बताओ, यहाँ पे 3 हो गए, है कि नहीं, यहाँ पे 3 हो गए ना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर बताइए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितनी है, टोटल है 12 और एक 13 हो गया, 6 6 और एक हो गया। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितनी बन रही है, टोटल एटॉमिक नंबर, वो तो ऐसे देख के पता चला लोगे, ये हो गया। तो किसको प्रियोरिटी दें बताओ, इन दोनों में किसको दें हाई प्रियोरिटी, क्योंकि हम लोग तो डबल बॉन्ड के एक साइड देखते हैं, इसको देंगे हाई प्रियोरिटी और इसको देंगे लो प्रियोरिटी, ठीक है, इन दोनों में। अब इन दोनों में किसको प्रियोरिटी देना है, हाई प्रियोरिटी, अफकोर्स इसको देंगे, ये हो जाएगा हाई प्रियोरिटी, है ना, और ये हो जाएगा हमारा लो प्रियोरिटी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन गया, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लो प्रियोरिटी जो है नीचे है, हाई प्रियोरिटी ऊपर है। तो हाई तो है, तो ये हो जाएगा ई आइसोमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई आइसोमर, क्लियर है, सबको समझ में आ गया ये कैसे हुआ, ठीक है जी, इससे कोई डाउट है क्या, नहीं है, हो गया। तो अब हम लोग ये हो गया हमारा सेकंड रूल, अब आ जाते हैं हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट में। अच्छा, रूल नंबर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे रूल हमारा हो जाएगा आपका 3rd, और ये रूल नंबर 3rd जो है ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेट से समझ आता है लेकिन आएगा जरूर। देखो, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है, हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, देन कंसीडर देम एस। तो देम एस का मतलब क्या है, सुनो मेरी बात, एकदम जबरदस्त बात, और एकदम जबरदस्त बात यह है कि हमारा जब डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड, तो वो डुप्लीकेट होगा, क्या होगा, डुप्लीकेट होगा, और जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिप्लीकेट होगा। और ये ट्रिप्लीकेट डबल डुप्लीकेट क्या है, उसको हम लोग अभी समझने वाले हैं।
डबल बॉन्ड डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट भी बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड ट्रिप्लीकेट होता है। तो चलो सीख लेते हैं डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट क्या चीज है। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो सब लोग? हेलो सर। चलो डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट सीखते हैं, फिर हम प्रायोरिटी देना चालू करेंगे। बाय द वे, आपके पास ऐसा सेगमेंट है, ऐसा कोई ग्रुप है जिसको डबल बॉन्ड रखा हुआ है, जैसे ये है मेरे पास डबल बॉन्ड ऐसा, तो डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट होगा। क्या होगा? ये डुप्लीकेट होगा। और डुप्लीकेट कैसे होता है बच्चे लोग, देखो इसको कार्बन को लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। इसका पड़ोसी कौन है? कार्बन। तो इसके पड़ोसी को इस साइड लिखेंगे और इसके पड़ोसी को, यानी इस कार्बन का पड़ोसी ये है, तो इस कार्बन को यहीं पे लगाएंगे, इस कार्बन को इधर लगाएंगे, ऐसा। तो ये हो जाएगा डुप्लीकेट। बाय द वे, आपके पास डबल बॉन्ड ओ है, तो ये होगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। तो ये डुप्लीकेट होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका पड़ोसी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का पड़ोसी कार्बन है, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? हेलो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आप लोग? ये डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट क्या होगा, तो क्या होगा? सी एन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका पड़ोसी एन है और इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी कार्बन है, ऐसा। तो ये डुप्लीकेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डुप्लीकेट कहलाता है ये। अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रिप्लीकेट भी बता देता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। जैसे आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ऐसा, तो ये ट्रिप्लीकेट होगा। क्या होगा सर? वॉइस कट रही सर बहुत ज़्यादा। अच्छा रुको, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, वॉइस का प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ वॉइस का तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, वॉइस तो अच्छा लग रहा है यहाँ, क्लियर आ रहा है सर अभी। अभी ठीक आ रहा है जी सर। चलो तो ये हो जाएगा ट्रिप्लीकेट। अच्छा ट्रिप्लीकेट होता है तो क्या होती है उसको देखिए, ट्रिप्लीकेट होता है तो सी होती है यहाँ, यहाँ सी होता है, फिर देखो ये इसको अच्छे से समझिए, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, सी लिखेंगे। देखो इसका पड़ोसी एक एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और आजू बाजू एक एक कार्बन लगाएंगे, ठीक है, एक एक कार्बन, फिर एक पाई बॉन्ड को और तोड़ेंगे, फिर ऊपर लगाएंगे, ऐसा ऐसा। किसी को समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, एक एक पाई बॉन्ड टूटेगा और उसका अपोजिट अपोजिट लगेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके पड़ोसी की उधर चिपकाएंगे, इसके पड़ोसी की इधर चिपकाएंगे, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके पड़ोसी को उस साइड चिपकाएंगे और इसके पड़ोसी को इस साइड चिपकाएंगे, तो इस तरीके से चलेगा। इसी तरीके से एक और हम लोग लास्टली पढ़ लेते हैं, ये भी ट्रिप्लीकेट होगा। और ये ट्रिप्लीकेट कैसे होगा देखो, ट्रिप्लीकेट ये जो ट्रिप्लीकेट होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा एन, कार्बन का पड़ोसी नाइट्रोजन, एक एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो पाई बॉन्ड टूटने से दो लगेगा और नाइट्रोजन का पड़ोसी कार्बन, ऐसा। तो ये है ट्रिप्लीकेट। ये क्या है? ट्रिप्लीकेट हो गया जी। अब हम लोग इसका एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, हेलो एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या कहता है, जैसे आपके पास डबल बॉन्ड है, ऐसा आपके पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ऐसा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा, और ये है आपके पास एन एच, ऐसा एच ऐसा, और यहाँ पे है आपका सी ट्रिपल बॉन्ड एन। एक ही एग्जांपल काफ़ी है आपको बनाने के लिए, वेरी वेरी एमपी। ठीक है बच्चे लोग, तो देखो सब लोग देख रहे हैं जी आप लोग? जी सर। हाँ अब इसको देखिए, केयरफुली देखिए इसको, यहाँ पे ये कार्बन दिख रहा होगा, इस कार्बन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इस कार्बन को तोड़ेंगे तो आपको ये ऐसा मिलेगा, ये कार्बन था हमारा मेन और ये तो हाइड्रोजन था, अब ये हो जाएगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़ेगा कार्बन और कार्बन से जुड़ेगा ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आया कुछ? मैंने अभी बोला था ना आप लोगों को सी, क्या बोला था अभी, एक चीज़ फिर से लिखा देता हूँ, देखो यहीं पर लिखा देते हैं आपको,
सी डबल वन ओ था, तो सी डबल वन ओ में क्या किए थे, इधर ओ लिखाए थे और ओ में क्या लगाए थे, कार्बन लगाए थे कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ। अच्छा, और यदि भूल जाओगे तो मैं एक चीज और बता रहा हूँ जो सिंपल कर देगा आपको काम को। वो काम किसको सिंपल करेगा देखो, काम किसको सिंपल करेगा देखो, यहाँ पे है ये कार्बन, ये कार्बन दिख रहा है आप लोगों को, इस कार्बन को देखो और इस कार्बन से आपको ये दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं? हेलो, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है इसलिए ओ लगा दिया, और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ लगेगा, ये वाला, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ है तो दो बार ओ लिख दो, बस टेंशन खत्म, क्लियर। और ये जो आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हाइड्रोजन को लिख लो क्योंकि वो डायरेक्ट अटैच है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये नाइट्रोजन जो आपका है, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट अटैच है, और एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 7, कितना है 7, और ये कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर डुप्लीकेट डुप्लीकेट मत करो, डायरेक्ट नंबर को देखो, तो ये क्या हो जाएगा जी, एटॉमिक नंबर 6। तो हाई प्रियोरिटी लो प्रियोरिटी किस साइड देंगे बताइए आप लोग। हेलो हेलो, तो इसको देंगे हम लोग लो प्रियोरिटी और इसको देंगे हाई प्रियोरिटी, क्योंकि तीन तीन ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है इसलिए हो जाएगा हाई प्रियोरिटी, और इसमें एटॉमिक नंबर 6 है इसलिए ये हो जाएगा लो प्रियोरिटी, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये लो प्रियोरिटी। आगे समझ, ये होता है इस तरीके से बात, तो हाई प्रियोरिटी लो प्रियोरिटी ऐसे भी देते हैं, हो गया जी, सब लोग लिख लिए ये वाला रूल। चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं और उसके बाद हम लोग ईजे नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, एग्जाम रूल नंबर नेक्स्ट में आते हैं, रूल रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है उसको देखो, रूल नंबर फोर्थ ये कहता है हमारा कि आपका आइसोटोप आ गया, बाय द वे रूल नंबर फोर, एक मिनट ना, रूल नंबर फोर, एक मिनट बच्चे यहां से आ जाते हैं। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। अच्छा, आ गया, चलो देखो रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर बहुत जबरदस्त है, इसने क्या कहता है देखो, इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट, आपके पास आइसोटोप प्रेजेंट है बाय द वे, आइसोटोप आर प्रेजेंट, देन कंसीडर कंसीडर एटॉमिक वेट को लेते हैं, अब एटॉमिक नंबर को नहीं लेते, याद रखिएगा, देन कॉन्सिडर एटॉमिक वेट। हमारे पास आइसोटॉपिक सब्सटीट्यूशन में आपको सबको पता होगा, आइसोटॉपिक सब्सटीट्यूशन अलग अलग चीज होती है, जैसे कार्बन के तीन आइसोटॉप होते हैं, है ना, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, तो जब अलग अलग आइसोटॉप होते हैं तो हम लोग उसको अलग अलग नंबरिंग देते हैं, जिसका मास ज़्यादा होता है उसको हम लोग हायर मास देते हैं, ठीक है। तो हायर मास रहेगा तो हायर पीआरटी रहेगी, हायर मास क्या होगा, हाई प्रियोरिटी होगा, हायर प्रियोरिटी, इसको सीधा सीधा समझो कि ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में आते हैं, जैसे डी है ऐसा, आपके पास डी है ऐसा, और यहाँ पे एच है, और इस तरीके से देखते हैं हम लोग, बाय द वे यहाँ पे सी एस थ्री है और यहाँ पे सी डी थ्री है, सी है, और चलो ये तो देख के ही पता चल जाएगा, सी एस टू सी एस थ्री। तो बताइए जी किसको ज़्यादा प्रियोरिटी दें, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में किसको ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे हम लोग,
हेलो। ड्यूटेरियम हाँ वेरी गुड। ड्यूटेरियम का प्रायोरिटी ज्यादा होगा और हाइड्रोजन का प्रायोरिटी कम होगा, लोअर प्रायोरिटी बोलेंगे इसको, ठीक है। और ऐसे ही मेथिल और एथिल में तो जानते हो, मेथिल को हम लोग लो प्रायोरिटी देंगे, इथाइल को हाई प्रायोरिटी देंगे। तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ये आपका जेड आइसोमर होगा कि ये आइसोमर होगा? डेड सर वेरी गुड, जेड आइसोमर होगा, जेड आइसोमर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग नामेनक्लेचर करते हैं, अलग अलग नामेनक्लेचर होती है। तो मैंने चारों रूल लिखा दिया है। चारों रूल के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों को। और ये क्वेश्चन क्या है उसको देखो। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लाया हूँ, वो क्वेश्चन में केवल और केवल आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ई होगा कौन जेड होगा। जैसे इसको देखो, ये दिख रहा है आप सबको? हेलो। यस हाँ, अब यहां से देखिए, इस किसको ई बोलना है किसको जेड बोलना है। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिएगा, और एनालिसिस करके इसका आंसर नीचे में दिया है, देखो ये जेड होगा। अब जेड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर आएगा तो इसको लो प्रियोरिटी दोगे, इसको लो प्रियोरिटी दोगे, है कि नहीं। और इधर तो मेथिल ग्रुप है तो इसको क्या दोगे, हाई प्रियोरिटी, इसको तो सब्स्टिट्यूटेड है, और इसको भी क्या दोगे, हाई प्रियोरिटी। तो ये कौन सा हो जाएगा, जेड हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? हेलो। यस हाँ, सर, अब इसको देखो, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है ना, और इसको देखो, इसमें ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन हाई प्रायोरिटी हो जाएगा। और ये जो आपका कार्बन है CH2 है, वो क्या हो जाएगा, लो प्रायोरिटी। दैट्स राइट, ये लो प्रायोरिटी में हो जाएगा। अब इनमें देखो, ये इथाइल है, इथाइल है तो हाई प्रायोरिटी होगा, और ये मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, लो प्रायोरिटी। तो लो प्रायोरिटी है एक साइड, इसलिए इसका नाम हो गया जेड। क्या हो गया, ये जेड आइसोमर हो गया। क्लियर है, बात से समझ में आ रही है? हेलो हेलो। सर अच्छा, अब इसको देखो, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन है मतलब हाई प्रायोरिटी में होगा, और इधर आए मेथिल तो लो प्रायोरिटी होगा। अब इस साइड जाके देखो और इस साइड आके देखो, आपका कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड क्या है, इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट ऑक्सीजन है, इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड ऑक्सीजन है, लेकिन ये डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड ओ है ना, CHO में डबल बॉन्ड ओ रहता है, तो जहाँ डबल बॉन्ड है उसको क्या देते हैं, हाई प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू। अच्छा, कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ से, एक बार देखो यहाँ से हम लोग कुछ, ये तो हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी डिटेल हो गया। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से क्या क्या है, एक ऑक्स, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है। तो इस कार्बन से जो जाएगा उसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन आएगा और हाइड्रोजन आएगा। और इस कार्बन से जो जाएगा उसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा और दो दो ऑक्सीजन आएगी। डबल बॉन्ड है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है HO में डबल बॉन्ड ओ है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ओ और ऑक्सीजन है, तो इस क्या हो जाएगा, यहाँ से जब डुप्लीकेट करोगे तो डुप्लीकेट करोगे तो ये ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन से आएगा कार्बन, तो और ऑलरेडी इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो डुप्लीकेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन से दो दो ऑक्सीजन आ रहा है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, जहाँ डुप्लीकेट होती है। मैं तो सीधा सीधा बोला हूँ, इतना करोगे तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, सीधा सीधा डुप्लीकेटेड दिखा तो मैं तो एक ही बोल रहा हूँ, डुप्लीकेट दिखा तो हाइड्रोजन लगा दो, और फिर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो दो बार ऑक्सीजन लगा दो, फिर खत्म, ठीक है। और यहाँ से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, इस कार्बन से देखोगे तो एक हाइड्रोजन दिखा, एक तरफ कार्बन दिखा, एक तरफ ऑक्सीजन दिखा, तो किसको दें बताओ, इसको हाई प्रायोरिटी दें कि इसको हाई प्रायोरिटी दें, आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले को हाई प्रायोरिटी देंगे, तो ये हो जाएगा हाई प्रायोरिटी और ये हो जाएगा हमारा लो प्रायोरिटी। तो इसलिए हाई प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए होगा ई हो गया ये। क्लियर है, बातें समझ में आ गई? हेलो। यस तो सर, इस तरीके से हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी वाली केस है। अब हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी का क्या मीनिंग है, केवल क्या ई जेड नॉमिनक्लेचर आता है? तो नो, केवल ई जेड नॉमिनक्लेचर नहीं आता है। मैं एक बात बता देता हूँ,
इसमें नॉमेनक्लेचर में एक नॉमेनक्लेचर आती है, देखो ये देखो और इसका नाम देखो, इसका ध्यान से देखिए, ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है और ये इसका नाम है, ये इसका क्या है, नाम है। देखो नॉमेन कैसे क्लेचर कैसे किए हैं, सबसे पहले नॉमेन क्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं अलग से बता देता हूँ, ठीक है, अलग से बता देता हूँ, दो ठो नाम नॉमेन क्लेचर करूँगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी नॉमेन क्लेचर जो है ना ई जेड के फॉर्म में आ जाती है, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो दो एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर हम एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे कि हाँ यार ये इस तरीके का ई जेड नॉमेन क्लेचर आएगा तो बन जाएगा हमसे, ठीक है। चलो देखते हैं, आप दो क्वेश्चन बस बता रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन में जाते हैं, और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है बी आर और डबल बॉन्ड है ये, उसके बाद ये है ऐसा, ई जेड नॉमेनक्लेचर हमको बताना है ऐसा एच, ठीक है जी। अब इसको देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि नॉर्मल नेम क्या लिखोगे इसमें, नॉर्मल नेम हमारा क्या होगा, ई जेड तो बाद में देखेंगे, पहले नॉर्मल नेम देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल नेम देखेंगे तो ये हो जाएगा वन, हो जाएगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फाइव। नाम बताइए आप लोग, सब लोग कुछ कोशिश कीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, कॉमन सा नेम हो जाएगा आपका, इसमें होगा आपका फोर ब्रोमो, क्या होगा, फोर ब्रोमो, और फोर ब्रोमो के बाद तीसरे नंबर में डबल बॉन्ड है, तीसरे नंबर में सॉरी ये है ना फोर ब्रोमो है, और उसके बाद हो जाएगा पेंट, पांच कार्बन है, पेंट थ्री इन होगा और वन अल हो जाएगा, वन अल, ठीक है, थ्री पेंटेन अल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि वन अल नहीं बोलेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया क्या, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका नंबरिंग देखो, जो ई जेड में करते हैं हम लोग, ई जेड में करना है तो क्या करेंगे, फिर से एक बार स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे हम लोग, और स्ट्रक्चर को ड्रा करके हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ई जेड के लिए ढांचा बनाएंगे। अच्छा, ई जेड के लिए जब ढांचा बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। अब देखो इसमें हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर लगाएंगे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर लगाएंगे तो क्या होगा, ये ब्रोमीन है हमारा और ये है हमारा मेथिल, ये क्या है हमारा मेथिल, तो ब्रोमीन और मेथिल को किसको देंगे हाई प्रायोरिटी, तो ब्रोमीन को देंगे हाई प्रायोरिटी, और इसको देंगे लो प्रियॉरिटी, किस क्या देंगे इसको, लो प्रियॉरिटी। ऐसे ये हाइड्रोजन है आपको, और इधर तो ये बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है ना CH2 है, तो इसको देंगे हाई प्रियॉरिटी, क्या देंगे इसको, हाई प्रियॉरिटी, और इस मेथिल को क्या देंगे, लो प्रियॉरिटी, क्या देंगे इसको, लो प्रियॉरिटी। तो हाई हाई ऊपर में है, हाई हाई कहाँ है, ऊपर में है, तो हाई हाई ऊपर में है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और इसके नाम सामने लिखेंगे, ये जेड हो जाएगा तो थ्री जेड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, थ्री जेड। सबको समझ में आ गया मैं क्या बोला हूँ, इसका नाम हो जाएगा थ्री जेड, क्लियर हुई बात मेरी, हेलो, यस सर। एकदम सही है आप लोगों का ये जो ऑब्जर्वेशन है, एकदम सही है, ठीक है जी। हेलो, जी सर, एक क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको, फिर आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, इस क्वेश्चन को करके देखो, फिर आपको ई जेड अच्छा से समझ में आ जाएगा, आपको आता है तो नंबर छूटेगा नहीं, ऐसा हो गया, फिर ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर ये हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लिख देता हूँ मैं अलग से, और ऐसा हो गया, और ऐसा हो गया क्लोरीन। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बड़ा ग्रुप है वो नज़दीक से नज़दीक आ जाए, तो बड़ा ग्रुप है नज़दीक से नज़दीक आ जाए, तो इसके लिए इधर देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में देखें तो पहले कार्बन में कुछ नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है,
इस कार्बन को देखो तो पहले इसमें क्लोरीन है, तो नंबरिंग इधर से चालू करें कि इधर से करें, लेफ्ट से करें कि राइट से करें? तो हम लोग करेंगे इस साइड से, क्योंकि यहाँ पहले ही कार्बन में क्लोरीन है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5 और ये 6। देखो इधर से भी करते तो 1, 2, 3 में आता डबल बॉन्ड, और इधर से भी कर रहे हैं तो 1, 2, 3 में आ रहा है। तो मैं क्लोरीन ग्रुप को देख करके बोला हूँ कि इधर से नंबरिंग करना जरूरी है। तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो और 4 इथाइल, 4 इथाइल, देन 5 मिथाइल, 5 मिथाइल हो जाएगा। और हम देखो डबल बॉन्ड जो है ना तीसरे नंबर में, तो ये हो जाएगा Hex 3 in, हो जाएगा Hex 3 in। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें आपको EZ भी बताना है। क्या बताना है? EZ भी बताना है। तो जब EZ भी बताना है तो आप लोग इसको फिर से चाहे तो लिख सकते हो ऐसा स्ट्रक्चर को, ऐसा चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो उसी में भी दे सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ऐसा कर दिया। अब इसमें हम लोग हाई प्रियॉरिटी लो प्रियॉरिटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है आपका, ये इसको केयरफुली देखिए, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इस तरफ मिथाइल है CH2 ग्रुप और इधर है हाइड्रोजन, तो इसको देंगे हाई प्रियॉरिटी और ये हाइड्रोजन है उसको देंगे लो प्रियॉरिटी, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, इधर को देखो डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन से बड़ा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल लगा है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो बड़ा होता है तो ये हो जाएगा हाई प्रियोरिटी, और इथाइल ग्रुप छोटा होता है, इथाइल ग्रुप छोटा है होता है इसलिए लो प्रियोरिटी। तो लो प्रियोरिटी, लो प्रियोरिटी कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस एल्किन का नाम हो जाएगा, इस एल्किन का नाम हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट है ना, ये अपोजिट है, तो ये होगा ई। और ई किसके नंबर के आगे लगता है, तो ई याद रखना जहाँ पे डबल बॉन्ड तुम दिए हो ना, यहाँ पे Hex 3 in, इसी 3 को यहाँ पे चिपकाना है और यहाँ पे लिखना है 3E। ऐसा क्या लिखना है, यहाँ पे 3E और यहाँ पे लगा देना है डेस। तो ये हो जाएगा आपका EZ नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें समझा दिया मैंने, EZ नोमेनक्लेचर भी समझा दिया और आपको EZ एक हम IUPAC के IUPAC में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो भी समझा दिया, ठीक है। किसी को दिक्कत होगा तो मुझसे शेयर कीजिए। सबको समझ में आ गया? आ गया सबको समझ ना? तो आप लोग बढ़िया सा वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, हम वीडियो को जब यहाँ पे डाल देंगे तो आप लोग देखिएगा। बढ़िया से बनाइए, नोट्स को अच्छे से बनाइए, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा PDF में दूंगा, उस PDF के क्वेश्चन को जरूर बना लीजिए, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन चिपकाया था, चाहो तो उसका कुछ कुछ का नाम भी करण कर सकते हो, जैसे ये बहुत बढ़िया है इसका नाम करण कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर इसका कर सकते हो, इसका कर सकते हो आप। तो ये सबको होमवर्क मान के चलो, इतने सारे आपके वर्क हैं, ये सब आप लोग बना सकते हो। EZ तो पहले ही लिख चुका है यार, तो ये तो गलत हो गया, आपको इसको नहीं दिखाना था मुझे, आपको दिखाना था इसको। एक बार देख लीजिए, जो वीडियो में आएंगे उन लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। तो आप लोग ई और जेड भी बनाना है आपको, ये दो थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के EZ भी बनाइए, और EZ बना करके आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरीके से हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एकदम सिस्टमेटिक वे पे आपको हम PDF शेयर कर देंगे, क्लियर है। तो आप लोग बढ़िया सा तैयारी कीजिए, आज का हम क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर।